सिटी तहलका पर ये लाइव तस्वीरें आप पानीपत के तहसील कैंप से देख पा रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि लगातार जो कोरोना संक्रमण है वो आए दिन बढ़ता जा रहा है। लेकिन तस्वीरें आपको साफ तौर पर हम पानीपत के तहसील कैंप से दिखा रहे हैं, जहां पर लगातार आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से जो जाम की स्थिति है वो तहसील कैंप में बनी हुई है। लगातार हम आपको सीडी तहलका के माध्यम से खबरें दिखा रहे हैं कि लगातार जो संक्रमण है वो आए दिन बढ़ता जा रहा है। लेकिन दूसरी ओर तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी सोशल डिस्टेंसिंग है, और किस तरह आप तस्वीरों में देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक तरफ जहां कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, लेकिन पानीपत के तहसील कैंप से ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको सीधे दिखा रहे हैं कि एक और जहां संक्रमण बड़ी तेज़ी से फैल रहा है, और उसी को लेकर आज पूरे हरियाणा में आज लॉकडाउन कर दिया गया है। लेकिन बावजूद उसके आप तस्वीरें साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि तहसील कैंप में स्थिति क्या है वो आप तस्वीरें देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। काफ़ी दूर तक हम ये तस्वीरें देख रहे थे, जहां तक देखें तो जो सब्ज़ी की जो रेडियां हैं, जो फड़ी हैं, उनके हालात हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि एक और जहां कोरोना संक्रमण जो है वो लगातार फैल रहा है, लेकिन दूसरी ओर तस्वीरें देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर स्थिति क्या है। यहाँ प्रशासन सरकार द्वारा लगातार गाइडलाइंस जारी की जा रही है, लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है, लेकिन बावजूद उसके आप तस्वीरें देख सकते हैं कि पानीपत के तहसील कैंप से ये तस्वीरें हम आपको इस वक्त सीधी दिखा रहे हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोरोना को लेकर लोग कितने जागरूक हैं और कितनी लापरवाही है, ये वो आप तस्वीरों में देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ पर साफ तौर पर आप तस्वीरें देख रहे हैं कि यहाँ पर न तो कोई किसी प्रकार की सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पर नज़र आ रही है। और आज ही बता दें कि पूरे प्रदेश भर में जो है 7 दिन के लिए 7 मिनट तक लॉकडाउन लगा दिया गया है। लेकिन आप इन तस्वीरों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पानीपत के तहसील कैंप से तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि हालात क्या हैं, लोग कितने जागरूक हैं, और कहीं ना कहीं जो ये लापरवाही है इसके क्या परिणाम हो सकते हैं वो आप कमेंट्स आप बता दे सकते हैं। हम लगातार आपको सीडी तहलका के माध्यम से खबरें दिखा रहे हैं कि पानीपत की यदि बात करें तो आए दिन पानीपत में चौंका देने वाले आंकड़े लगातार सामने आ रहे हैं। बावजूद उसकी बात करें तो लोगों की जो लापरवाही है वो भी कहीं ना कहीं साफ तौर पर आप देख सकते हैं। पानीपत के तहसील कैंप से ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि हालात इस वक्त क्या है, और लोगों की लापरवाही कहीं ना कहीं ज़रूर सामने आ रही है। लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, कुछ और तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि पानीपत के तहसील कैंप में हालात क्या है। साफ तौर पर आप तस्वीरें देख पा रहे हैं कि जहां पर आप देखोगे कहीं ना कहीं जो भीड़ है लोगों की वो यहां पर आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। एक और जहां प्रशासन द्वारा सरकार द्वारा लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है, समझाया जा रहा है, लगातार सख्ताई भी बरती जा रही है, लेकिन बावजूद उसके आप ये तस्वीरें देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोग कितने जागरूक हैं। कहीं ना कहीं जो ये लापरवाही है लोगों की वो आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। कितनी यहाँ पर नियमों का पालन किया जा रहा है वो आप इन तस्वीरों में देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक यदि बात करें तो भीड़ ही भीड़ नज़र आ रही है। लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं पानीपत के तहसील कैंप की, ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि हालात क्या है। आए दिन जहां चौंका देने वाले आंकड़े लगातार सामने आ रहे हैं, वहीं
आप सभी से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस खबर को देख पा रहे हैं इसको साथ के साथ शेयर भी करें, ताकि तमाम लोगों तक ये खबर पहुंच सके। कहीं ना कहीं इसे कह सकते हैं कि जो लॉकडाउन लगा है उसको लेकर के कहीं ना कहीं ये जो लोग हैं ख़रीदारी ना करने निकले हों, इन्हें शायद लगा है कि कहीं ना कहीं जो ये लॉकडाउन लगा है इसको लेकर इनकी जो परेशानी ना बढ़ जाए इसको लेकर ये ख़रीदारी करने निकले हैं। देख सकते हैं कि जो सब्ज़ी की रेडियां हैं जो खड़ी हैं उन पर क्या हालात हैं, किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं बनती नज़र आ रही हैं। पानीपत के तहसील कैंप से ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम लोगों से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस खबर को देख पा रहे हैं साथ ही साथ शेयर भी ज़रूर करें, ताकि तमाम लोगों तक ये खबर पहुंच सके। आपको बता दें कि लगातार जो संक्रमण है वो बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं आज ही जो है प्रदेश के गृह मंत्री व स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज द्वारा ट्वीट्स कर यह जानकारी तमाम प्रदेशवासियों को दी गई कि एक सप्ताह को का जो है लॉकडाउन यहाँ पर लगा दिया गया है, क्योंकि लगातार जो आंकड़े हैं बढ़ते जा रहे थे उसी को लेकर इस संक्रमण को रोकने के लिए कहीं ना कहीं इस कोरोना वायरस की जो बढ़ती जो चैन है उसे तोड़ने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा ये लॉकडाउन लगाया गया है। लेकिन बावजूद उसके आप तस्वीरें पानीपत के तहसील कैंप से आप देख पा रहे हैं कि तस्वीरें क्या बयां करती हैं, और आप लोगों से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस खबर को देख पा रहे हैं इस खबर को साथ के साथ शेयर भी करें। और हम भी लगातार सीटी तहलका के माध्यम से आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि लगातार संक्रमण जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। आए दिन जो संक्रमण के मामले हैं वो चौंकाने वाले आ रहे हैं। तमाम लोगों से हम गुजारिश करते हैं कि आप सावधानी बरतें, नियमों का पालन करें, क्योंकि संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। और हम लगातार लोगों को जागरूक कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि आप सतर्क रहें, सावधानी बरतें, ताकि इस फैलते कोरोना वायरस संक्रमण को रोका जा सके, इस संक्रमण की चैन को तोड़ा जा सके। लेकिन कहीं ना कहीं जो लोगों की लापरवाही है वो आप साफ तौर पर पानीपत के तहसील कैंप में देख सकते हैं। यहाँ पर की तस्वीरें देखकर आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोगों को कोरोना वायरस संक्रमण के प्रति लोग कितने जागरूक है। आप तमाम लोगों से ये अपील रहेगी कि जो भी लोग इस खबर को देख पा रहे हैं साथ के साथ शेयर ज़रूर करें। शायद ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि लोग कई कई दिन की सब्ज़ी यहाँ पर लेकर लेते नज़र ज़रूर आ रहे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं, लोग बड़े बड़े थैले घरों से लेकर निकले हैं। लगातार आप तस्वीरें देख सकते हैं, क्यों आज ये इतनी भीड़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। क्या शायद ये कारण है कि लॉकडाउन की वजह से ये लोग घरों से बाहर ना निकल आए हों। इन्हें लगता होगा कि कहीं ना कहीं जो लॉकडाउन लगा है उसको लेकर इनकी परेशानी ना बढ़ जाए, इसी को लेकर आज ये सब्ज़ी खरीदने निकले होंगे। लेकिन तस्वीरें आप देख सकते हैं कि पानीपत के तहसील कैंप में हालात आज किस कदर हैं, लोग किस तरह से आज सब्ज़ी लेने के लिए काफ़ी संख्या में यहाँ पर निकले हैं। आप अपने कॉमेंट्स ज़रूर साझा करें। तमाम लोगों से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं साथ के साथ शेयर ज़रूर करें। सिटी तहलका आप लोगों को लगातार अपील करता रहा है, लगातार जागरूक कर रहा है कि कोरोना वायरस संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। आप लोग सावधानी बरतें, सतर्क रहें, नियमों का पालन करें, ताकि फैलते कोरोना वायरस संक्रमण को रोका जा सके। आप लाइव तस्वीरें पानीपत के तहसील कैंप से देख पा रहे हैं, जहां पर आप इस भीड़ को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोग कितने जागरूक हुए हैं, क्योंकि लगातार तो लोग हैं वो सब्जियां खरीदने के लिए, तमाम अलग अलग चीज़ें खरीदने के लिए बाज़ार में निकलते नज़र ज़रूर आ रहे हैं। आप सभी लोगों से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस खबर को देखिए, बड़े बड़े थैले लेकर के आज लोग सब्जियां खरीदने निकले हैं। क्या कारण है, शायद इन्हें लगता है कि जो लॉकडाउन लगा है उसको लेकर इनकी जो परेशानियां हैं कल से वो न बढ़ जाए, इसी को लेकर आज लोग बड़े बड़े अपने थैले लेकर के सब्जियां खरीदते ज़रूर नज़र आ रहे हैं। तमाम जो सब्ज़ी की रेडियाँ हैं उन पर भीड़ ज़रूर लग गई है, लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तमाम लोगों से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, और तमाम खबरें देखने के लिए जुड़े रहे सिटी तहलका से के साथ, और इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करते रहे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।